इस लेक्चर में हम जानेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को नॉर्टन्स थ्योरम से कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके लिए हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसीडर करते हैं जो कि यहाँ दिखाया गया है, और इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम ए बी टर्मिनल्स के अक्रॉस थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालेंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और आर को लोड रेजिस्टेंस मानते हुए जो कि 10 ओम है, हम लोड करंट भी डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले हमें किसी भी सर्किट के नॉर्टन्स इक्विवेलेंट को निकालने के लिए हमें दो पैरामीटर की जरूरत होती है, एक है नॉर्टन्स करंट, दूसरा है नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। नॉर्टन्स करंट को हम शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं। सबसे पहले हम नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालेंगे। नॉर्टन्स रेजिस्टेंस बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेट की जाती है जैसे कि थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है। हम लोड रेजिस्टेंस को हटाएंगे, लोड टर्मिनल्स को ओपन करेंगे और जितने भी सोर्सेस हैं सर्किट में उनको उनके रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस कर देते हैं। करंट सोर्स की जो रेजिस्टेंस होती है क्योंकि जीरो इनफाइनाइट होती है तो उसको हम ओपन कर देते हैं, और वोल्टेज सोर्स की जो रेजिस्टेंस होती है वो जीरो होती है आइडियल कंडीशंस में, उसको हम शॉर्ट कर देते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास सर्किट बचता है वो ये है, और क्योंकि नॉर्टन रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस सेम है, एक ही बात है, तो एज पर डेफिनेशन नॉर्टन रेजिस्टेंस वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जिसको हम किसी भी सर्किट के ओपन लोड टर्मिनल से कैलकुलेट करते हैं सभी सोर्सेस को उनकी रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने के बाद। तो ऐसा करने से हम देख पा रहे हैं कि 8 और 2 ओम सीरीज में है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन 20 ओम के साथ पैरेलल में है, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस बना वो बना 20/3 ओम का। उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर हम निकालते हैं इसमें वो है नॉर्टन्स करंट। नॉर्टन्स करंट निकालने के लिए हम लोड रेजिस्टेंस को हटाएंगे और लोड टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देंगे। तो उस कंडीशन में जो करंट उससे फ्लो करता है, शॉर्ट लोड टर्मिनल से जो करंट फ्लो करता है उस करंट को हम शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं। अब ये जो सर्किट हमारे सामने है, इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम जो बेसिक सर्किट एनालिसिस टेक्निक्स हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, करंट डिवीजन रूल है, वोल्टेज डिवीजन रूल है, केवीएल है, केसीएल है, मैश नोड, जो भी टेक्निक आपको कन्वीनियंट लगती है आप वो टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस केस में क्या देखा कि 1 एम्पियर और 8 ओम सोर्स जो है वो पैरेलल में है, तो यहाँ हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, और हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के जो है एक वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जो कि इन दोनों का इक्विवेलेंट है। उसके बाद हमने देखा कि जो 8 वोल्ट सोर्स है मान लीजिए वो कुछ करंट डिलीवर करता है सर्किट में जो कि है I1। इसी प्रकार से 32 वोल्ट सोर्स है वो भी करंट डिलीवर करता है जो कि है I2। जब ये 32 वोल्ट सोर्स I2 को डिलीवर करेगा, I2 जब जंक्शन X पे पहुंचेगा तो उसके बाद वो सीधा जो है A की तरफ टर्न कर जाएगा, वो वापिस इधर नहीं आएगा, 8 वोल्ट सोर्स की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि एक्स जंक्शन के बाद उसको पैरेलल में एक शॉर्ट ब्रांच मिल रही है, पूरा ब्रांच शॉर्ट है इधर अगर आप देखें तो सारा करंट I2 जो है वो इस ब्रांच में फ्लो करेगा। इसी प्रकार से जब I1 करंट जो कि 8 वोल्ट सोर्स का करंट है जो हमने माना है, वो करंट जब फ्लो करेगा और जंक्शन एक्स पे पहुंचेगा, जब वो यहां से जंक्शन एक्स पे पहुंचेगा तो वो करंट जो है इधर नहीं आएगा, वो सारा करंट इधर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ISC है वो I1 और I2 का सम हो गया। तो I1 जो है वो क्या है, अब क्योंकि अगर हम यही देख रहे हैं कि I1 करंट जो है मेरा XY में तो गया नहीं, तो I1 करंट तो यहां से यहां फ्लो किया, तो इसका मतलब I1 करंट क्या हुआ 8/10 8 वोल्ट और ये 10 ओम रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। उसके बाद जो मेरा I2 करंट था वो क्या हुआ 32 वोल्ट सो डिवाइड बाय 20 ओम रेजिस्टेंस। इस प्रकार से जब मैंने ये दोनों वैल्यूज को यहाँ रखा तो हमारे पास ISC का वैल्यू आया 22.4 एम्पियर। तो इस तरह से हम ISC इस सर्किट में कैलकुलेट कर रहे हैं। तीसरा जो स्टेप है नॉर्टन थ्योरम में वो है हम उस सर्किट का नॉर्टन्स इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए हम, क्योंकि हमें दो पैरामीटर की जरूरत थी वो दोनों हमने निकाल लिए हैं, और नॉर्टन्स थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम उन दोनों पैरामीटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे लोड टर्मिनल्स के अक्रॉस। तो
इस तरह से जब हमने किया तो हमारे पास ये जो सर्किट है ये नॉर्टन्स इक्विवेलेंट हुआ, हमारा जो सर्किट हमें दिया गया था। लास्ट जो स्टेप है उसके अकॉर्डिंग हम लोड करंट फाइंड आउट करेंगे उस सर्किट में। वापिस से हमने लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, लोड रेजिस्टेंस लगाने के बाद जो इस वक्त यहाँ करंट फ्लो कर रहा है वो लोड करंट है, और नॉर्टन थ्योरम का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम IN, RN और RL की वैल्यूज रखेंगे और हम करंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी सर्किट को नॉर्टन थ्योरम से चार स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं। RN निकालिए, IN निकालिए, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कीजिए और लास्ट में लोड करंट निकाल लीजिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। धन्यवाद।